तुम लोग का काम क्या था? जैसे उड़ छाप के दे रहे थे तो बस कमरे पर रह रहे थे, बस क्या करना था कैसे थे मार्केट में एक कदम सब्जी वब्जी लिया हुआ थे पकड़ में आ गए। कहाँ के रहने वाले हो भाई? बिहार से। अब तक कितनी जगह चला चुके हो? कितने बार चला चुके हो अभी? कभी कौन चला रहे कितने पढ़े लिखे तैयारी कर दी हरियाणा से क्या लिंग ये कहाँ से सीखा तरीका तुमने? विकास ने कहाँ से सीखा? कल वाला अगर आप लेना चाहें देखिए इसमें तीन व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं। मुखबिर की सूचना पर ये जानकारी मिली कि ये 100-100 के नोट छाप रहे हैं, काउंटरफीट करेंसी छाप रहे हैं और उसको चला रहे हैं। इनका और क्या नेटवर्क हो सकते थे, इसके लिए कुछ प्रक्रिया का हम लोगों ने पालन किया। इसमें मिलिट्री इंटेलिजेंस और हमारा जो विशेष कोष्ट होता है नेशनल सिक्योरिटी का एंगल देखता है। इसके अलावा LIU IB इन सभी से हम लोगों ने संपर्क किया, जिन्होंने इनके सारे लिंकेजेस के बारे में जानकारी करी है। तीन मुलजिम इसमें पकड़े गए हैं, दो मुलजिम अभी वांछित हैं। इसमें इसका गिरोह का सरगना विकास नाम का व्यक्ति बताया जा रहा है और ये मेनली जो है तीन लोग इसमें बिराल गांव थाना बुढ़ाना मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं और दो लोग ग्राम भमौरी थाना सरगना के रहने वाले हैं। लगभग 50-52 हज़ार रुपये के बने हुए आधे बने हुए नोट जो है करेंसी के बरामद किए गए हैं, पूरी तरह से काउंटरफीट हैं। प्रिंटर का इस्तेमाल करते थे, उसमें जो हरा टेप लगाते थे उसका इस्तेमाल करते थे, वो सबकी बरामदगी इसके पास से हुई है। विवेचना के क्रम में और जो भी साक्ष्य सामने आएंगे उसके अनुसार आगे निकालेंगे। देखिए इनसे जो प्राथमिक रूप से जो पूछताछ हुई है उससे ये जानकारी में आया कि विकास नाम का व्यक्ति है जिसने इनको इनिशिएट किया है इसमें। लेकिन जैसा कि आप भी जानते हैं कि मुलजिम का बयान है, अभी उसके बारे में डिटेल हमें और विवेचना के क्रम में सामने लानी पड़ेगी। लेकिन अभी तक यही जानकारी हुई है कि जो एक व्यक्ति फरार है वही इसका किंग पिन है, उसने ही इनको इंट्रोड्यूस किया। बहुत साधारण सी बात है, एक अच्छी क्वालिटी का प्रिंटर लेकर के उसमें अच्छी क्वालिटी की इंक्स को यूज़ करके और टेप को बीच में बहुत ध्यान से देखा जाएगा तभी ये जानकारी होगी कि नोट काउंटरफिट है, अन्यथा अंधेरे में या जल्दबाजी में ऐसी जगहों पर चला देते थे इन नोटों को जहाँ पर इनको कोई पकड़ नहीं पाता था। इन्होंने स्वीकार किया कि कुछ लोगों ने इनको पकड़ा भी परंतु उसके बारे में पुलिस को सूचना नहीं दी जिसकी वजह से पहले बचते रहे। इन्होंने इन नोट्स को किसी और बड़े पैमाने पर बेचा, लोगों को भेजा या किस तरह सप्लाई करते थे, ये हमारी विवेचना का बिंदु है। विवेचना से सारी बातें स्पष्ट होंगी। देखिए मैंने आपको बताया कि ये मिलिट्री इंटेलिजेंस को और हमारे IB वगैरह को इस प्रकार की जो और एजेंसी है उनसे इनसे पूछताछ करी गई है, उनके द्वारा भी पूछताछ करी गई है। ये एंगल वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है कि ये कैंट के पास का इलाका है, क्या ये वहाँ पर चलाते थे या इसको बड़े पैमाने पर किनको सप्लाई करते थे। अभी तक इस प्रकार का कोई एविडेंस सामने नहीं आया है,